हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब हेल्दी और फिट हैं एकदम। एग्जाम टाइम है, फिट रहना बहुत जरूरी है। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के क्लास में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आर्य अभिषेक चैनल में। और जितने भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। तो क्या आप लोग तैयार हैं हमारे साथ शरीर रचना के इम्पोर्टेंट नोट्स और एमसीक्यूज डिस्कस करने के लिए? सो बी रेडी ऑल ऑफ यू। कॉपी पेन ले लीजिए और इम्पोर्टेंट नोट्स हम लोग बताने वाले हैं, आप इनको पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए। सो सबसे पहला पॉइंट है सप्तविध त्वक एंड देयर कैरेक्टर्स एज पर सुश्रुत। तो सप्तविध त्वक यानी त्वचा यानी स्किन, ठीक है। तो स्किन की कुछ लेयर्स बताई गई हैं सुश्रुत अनुसार। पहली लेयर है अवभासिनी, 118 पार्ट ऑफ ब्रीही। ब्रीही मतलब एक धान होता है, ब्रीही इसका 118 18 भाग में से एक भाग जितना पतला होता है ये अवभासिनी त्वक उतनी ही पतली होती है, ठीक है। और कुछ रोग हैं जो इस अवभासिनी त्वक में आश्रित होते हैं, जिनमें क्या क्या रोग आते हैं? सिद्म, पद्म और कंटक। सेकंड जो आपका त्वक है वो है लोहित, 1/16 पार्ट होता है ये व्रीही का। और इसमें जो रोग होते हैं वो होते हैं तिलकालक, न्यक्ष और व्यंग। थर्ड लेयर है आपकी श्वेता, ये 1/12 पार्ट होता है व्रीही का। इसमें होने वाले रोग हैं चर्मदल, अजगल्लिका और मसक। फोर्थ लेयर आपकी जो होती है वो होती है ताम्रा, ये 1/8 पार्ट होता है व्रीही का। और ये इसमें किलास और कुष्ठ रोग होते हैं। फिफ्थ जो लेयर होती है वो होती है वेदिनी, 1/5 पार्ट होता है ये व्रीही का। और इसमें कुष्ठ, विसर्ग ये दोनों रोग इसमें होते हैं। रोहिणी त्वचा होती है सिक्स्थ लेयर, और ये एक व्रीही मात्रा की होती है, काफी मोटी होती है ये। एक व्रीही जितनी मोटी होती है ये लेयर भी उतनी ही मोटी होती है। इसमें ग्रंथि, अपची, अर्बुद, श्लीपद और गलगंड जैसे रोग होते हैं। मांसधरा इसकी सेवेंथ लेयर है, जो व्रीही द्वय यानी दो व्रीही थिकनेस की होती है। इसकी थिकनेस दो व्रीही जैसी होती है और इसमें भगंदर, विद्रधि और अर्श जैसे रोग पैदा होते हैं। सो आई होप आप लोगों को याद हो गया कि सेवन लेयर सुश्रुत ने वर्णन किए हैं, जिसमें अवभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी और मांसधरा, ये सात लेयर्स हैं त्वचा की जो सुश्रुत ने कहा है। सेकंड जो अपना टॉपिक है सप्तविध कला और उसके लोकेशन एज पर सुश्रुत। सप्तविध कला क्या है और इनकी लोकेशन क्या है? कला क्या होती है? कला एक कवरिंग जैसी होती है, बॉडी में काफी सारे कवरिंग्स मौजूद होते हैं जिसको कला नाम दिया गया है। तो सात कलाएं सुश्रुत ने वर्णन की हैं, जिसमें सबसे पहली है मांसधरा कला, जो कि मांसगत, शिरा, स्नायु, धमनी और श्रोतस पे ये लोकेटेड होता है। सेकंड जो कला है वो है रक्तधरा कला, मांस, आभ्यंतर प्रदेश, शोणित, शिरस, यकृत और प्लीहा पे ये लोकेट होता है। थर्ड जो आपकी कला है वो है मेदोधरा कला, और ये उदर और अण्वस्थि में होता है। फोर्थ कला है श्लेष्मधरा कला, ये सभी संधियों में पाया जाता है। फिफ्थ कला है पुरुषधरा कला, ये पक्वाशय में पाया जाता है। और सिक्स्थ जो उसकी कला है वो है पित्तधरा कला, जो कि आमाशय और पक्वाशय के बीच में पाया जाता है। सेवेंथ कला है शुक्रधरा कला, जो सर्व शरीर में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सात कलाओं का वर्णन किया गया है सुश्रुत द्वारा, मांसधरा, रक्तधरा, मेदोधरा, श्लेष्मधरा, पुरुषधरा, पित्तधरा और शुक्रधरा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है शरीर रचना में? ओरिजिन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एज पर सुश्रुत। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स मौजूद हैं, ये ऑर्गन्स किस चीज से ये बने हैं या किस चीज से ये पैदा हुए हैं? तो यहाँ पे देखिए सुश्रुत ने कहा है, नंबर वन में जो यकृत, यकृत यानी लीवर, जो लीवर हमारा होता है वो शोणितज होता है। शोणितज यानी ये रक्त से पैदा होता है। प्लीहा, प्लीहा मीन्स स्प्लीन, स्प्लीन भी शोणितज होता है। फुफ्फुस, फुफ्फुस यानी लंग्स, लंग्स भी हमारा शोणित फेन प्रभव यानी शोणित के फेन से ये प्रोड्यूस होता है। फोर्थ ऑर्गन है हमारा उंडुक, उंडुक शोणित किट से बनता है। देन नेक्स्ट है आंत्र, आंत्र यानी इंटेस्टाइन, ये कहाँ से पैदा होता है? रक्त, श्लेष्म, प्रसाद, पित्त और वात से। तो इंटेस्टाइन हमारी रक्त, श्लेष्म, प्रसाद से बनती है, पित्त और वात इन तीनों के मेल से बनती है।
देन सिक्स्थ जो ऑर्गन है वो है गुद, गुद यानी एनस, ये रक्त, श्लेष्म प्रसाद, पित्त और वात, ये भी इन्हीं चीजों से बनती है। देन सेवन जो ऑर्गन है हमारा वस्ती है, वस्ती यानी ब्लैडर। ब्लैडर किस चीज से बनता है? रक्त, श्लेष्म प्रसाद, पित्त और वात। तो आप लोगों ने देखा कि रक्त, श्लेष्म प्रसाद, पित्त और वात से तीन ऑर्गन्स बनते हैं, आंत्र, गुद और वस्ती। इसके बाद आता है जीभा। जीभा कफ और शोणित मांससार से बनता है। जीभा आप सबको पता है, ये हमारी टंग है। देन कम्स सीरा। सीरा वात, मेदो, स्नेह, पित्त और ऊष्मा से बनता है, और स्नायु भी वात, मेदो, स्नेह, पित्त और ऊष्मा से बनता है। ठीक है, तो सीरा स्नायु दोनों चीजें वात, मेदो, स्नेह, पित्त और ऊष्मा से बनती हैं। इसके बाद आता है वृक। वृक यानी किडनी। तो ये जो हमारी किडनीज हैं, ये किससे बनती है? रक्त, मेद, प्रसाद से बनती है। इसके बाद है वृषण। वृषण यानी स्क्रोटम। तो स्क्रोटम जो होता है वो किससे बनता है? मांस, रक्त, कफ, मेद, प्रसाद से ये स्क्रोटम बनता है। लास्ट में बताया गया है हृदय के बारे में। हृदय आप सबको पता है, ये हमारा हार्ट है। तो ये जो हार्ट है ये किस चीज से बनता है? शोणित कफ प्रसाद अजम। ठीक है, शोणित और कफ के प्रसाद भाग से अपना हार्ट बनता है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि हमारे जो ऑर्गन्स है वो किन किन चीजों से बने हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? षडंग शरीर। तो रचना शरीर में षडंग शरीर कहा गया है, यानी हमारा जो शरीर है वो सिक्स पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है सीरस, सीरस यानी हेड, है ना, और चार है शाखा, शाखा यानी दो हाथ, टू हैंड्स और टू लेग्स। ठीक है, और मध्य शरीर। मध्य शरीर जो हमारी बॉडी होती है वो है मध्य शरीर, वो है एग। तो ये सिक्स पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये है सीरस, हाथ, दो हाथ यानी हो गई चार शाखाएं, और मध्य शरीर, मध्य शरीर हो गया एक। तो सबको मिला के छह पार्ट्स बताए गए हैं शरीर के। सिंगल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, प्रत्यंग जिसको बोला गया है, एक एक ही होता है ये। तो इसमें क्या क्या आ जाता है? मस्तक आ जाता है, उदर, पृष्ठ, नाभि, ललाट, नासा, चिबुक, वस्ती और ग्रीवा, ये सारे प्रत्यंग बताए गए हैं। और डबल ऑर्गन्स बताए गए हैं। हमारी बॉडी में काफी सारे ऑर्गन हैं जो दो दो पाए जाते हैं, जैसे हमारा कान है ना, आंखें हैं दो पाई जाती हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाता है? कर्ण आ जाता है, नेत्र आ जाता है, नासा रंध्र आ जाता है, नाक में दो छेद है नासा रंध्र, भ्रू, हमारी आईब्रोज, शंख, शंख प्रदेश, अंशगंड, ये भी दो आ जाता है, और कक्षा, स्तन, वृषण, पार्श्व, स्फिक, जानु, बाहु और उरु। तो ये जितने पार्ट्स यहाँ पे बताए गए हैं, ये हमारे शरीर में दो दो पाए जाते हैं ये सारे पार्ट्स। इसके बाद देखिए बॉडी पार्ट्स को नंबरिंग की गई है। सुश्रुत ने नंबरिंग किया है बॉडी पार्ट्स को, कौन सा पार्ट कितने नंबर में पाया जाता है। तो सबसे पहले आता है त्वक। त्वक मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सात लेयर बताई गई हैं। तो आपको याद रखना है, ये नंबर आता है एग्जाम में कि त्वक की कितनी लेयर्स बताई गई हैं। ठीक है, तो त्वक की सात लेयर बताई गई हैं। कला, कला भी सात बताई गई हैं। कला, आशय सात बताए गए हैं, धातु भी सात बताए गए हैं। सिरा 700 बताई गई हैं, पेशी 500 बताई गई हैं, स्नायु 900 होती हैं, अस्थि 300 होती हैं, संधि 210 होती हैं, धमनी 24 होती हैं, दोष 3 होते हैं वात, पित्त, कफ, मल भी 3 होते हैं, मल, मूत्र और स्वेद, श्रोतस हमारे 9 होते हैं, योगवह श्रोतस 22 होते हैं, कंडरा 16 होती हैं, जाल 16 होती हैं, कुर्च 6 होती हैं, रज्जु 4 होती हैं, सेवनी 7 होती हैं, संघात 14 होती हैं, सीमंत 14 होती हैं और आंत्र 2 होती हैं। ठीक है, आंत्र बृहत आंत्र और क्षुद्र आंत्र, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये नंबरिंग्स बताई गई हैं सुश्रुत द्वारा। ये भी आपको नंबर सारे याद रखने हैं। क्वेश्चन आएगा कि जैसे पूंछ हमारे शरीर में कितने पाए जाते हैं, तो पूंछ कितने पाए जाते हैं? 6 पाए जाते हैं। रज्जू हमारे शरीर में कितने पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। सेवनी कितनी पाई जाती हैं? 7 पाई जाती हैं।
इसी तरह से आपको ये नंबर्स याद रखना है। तो अभी हमने जो नंबरिंग्स पढ़ी उसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेंगे हम। तो सबसे पहले आ गया आशय। आशय मैंने कहा था कि सात बताई गई है, तो सात में कौन कौन सा आशय आता है? वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, रक्ताशय, आमाशय, पक्वाशय और मूत्राशय। ये आशय क्या होती है? ये ऐसी जगह होती है जिसमें आप कोई चीज भर के रख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसी सात जगहें पाई जाती हैं जिसमें सात चीजें स्टोर या सात चीजें उसमें रहती हैं। ठीक है, तो वात, पित्त, श्लेष्मा, रक्त, आमाशय, पक्वाशय और मूत्र। मूत्र का आशय होता है, ब्लैडर होता है, मूत्र का आशय है ना। तो ऐसे सात आशय बताए गए हैं। श्रोतस भी नौ बताए गए हैं। नौ श्रोतस होते हैं, श्रवण दो, श्रवण यानी कान, कान के दो श्रोतस होते हैं, दो कान होते हैं हमारे पास। नयन दो, वदन एक, वदन यानी आपका मुंह। घ्राण नाक, नाक में दो छेद होते हैं तो दो। बुध एक और मेढ्र एक। एनस और यूरेथ्रा की ओपनिंग्स जो होती हैं एक एक होती हैं। तो टोटल नाइन ओपनिंग्स होती हैं हमारी बॉडी में, एक्सटर्नल ओपनिंग्स। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। देन 16 कंडरा बताई गई है। 16 कंडरा में से चार आपके पैरों में होती है, पाद में होती है, चार हस्त हाथों में होती है, चार पृष्ठ यानी आपके पीठ पे होती है और चार ग्रीवा, ग्रीवा यानी आपके गले में होती है। तो टोटल 16 कंडरा पाई जाती है हमारी बॉडी में। उसके बाद आता है जाल। जाल भी 16 पाई जाती है, जिसमें मांस जाल चार है, सिरा जाल चार है, स्नायु जाल चार है और अस्थि जाल चार पाई जाती है। ये नंबर्स आपको याद रखने हैं, कौन से नंबर, कौन सी चीजें किस नंबर में पाई जाती हैं, कितनी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये आप नंबर वाइज इसको याद रखिएगा। उसके बाद आता है कूर्च। ये जो कूर्च है, ये 16 गलत लिखा है यहाँ पे, ये 6 पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कूर्च 6 पाई जाती हैं, जिसमें दो हाथ में होती है, दो पैरों में होती है, एक कंठ में होती है और एक मेढ में होती है। ठीक, उसके बाद आता है रज्जु। रज्जु 4 पाए जाते हैं। पृष्ठवंश उभयता, पृष्ठवंश यानी पीठ पे दोनों साइड में दो दो रज्जुएं पाई जाती हैं, तो दो दो मिला के हो गई 4। इसके बाद आती है सेवनी। सेवनी 7 पाई जाती है, जिसमें सिर में 5 सेवनी पाई जाती है, मेढ में 1 सेवनी पाई जाती है और जीभा में 1 सेवनी पाई जाती है। इसके बाद आता है अस्थि संघात। अस्थि संघात टोटल 14 पाई जाती है बॉडी में, जिसमें गुल्फ में 2, जानु में 2, वक्षण में 2, शक्ति में 2, बाहु में 2, कक्षा में 2, त्रिक में 1 और सिर में 1। तो टोटल मिला के हो गई 14 अस्थि संघात। ठीक, तो ये भी आप नंबर वाइज याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्या आता है, सीमंत। सीमंत पाई जाती है 14। ठीक है, जहां जहां अस्थि संघात होता है वहां वहां सीमंत भी होता है। तो अस्थि संघात आपने पढ़ा यहाँ पे है ना, गुल्फ, जानु, वंक्षण, शक्ति, बाहु, कक्षा, त्रिक और सिर। तो इसमें 14 आपके संघात पाए जाते हैं और 14 सीमंत भी पाए जाते हैं। देन इसके बाद आ गई अस्थि। अस्थि संख्या कितनी बताई गई है? सुश्रुत ने बताई है 300। यही मैं एक पॉइंट आपको बता देती हूँ, जो चरक है, चरक ने 360 अस्थियां बताई हैं। ठीक है, तो सुश्रुत अनुसार हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, तो सुश्रुत अनुसार 300 अस्थियां बताई गई हैं, जिनमें हाथ और पैर में, हस्त और पाद में 118 अस्थियां पाई जाती हैं। श्रोणी, पार्श्व, पृष्ठ और उरह प्रदेश यानी चेस्ट रीजन में, पृष्ठ यानी बैक रीजन में, श्रोणी हो गई पेल्विक रीजन, पार्श्व हो गया आपके फ्लैंक्स। तो ये सब मिला के 105 अस्थियां पाई जाती हैं। उसके बाद कंठनाड़ी, ग्रीवा, प्रत्युर्धम यानी ग्रीवा से ऊपर आपके सिर प्रदेश में, गले में टोटल 77 अस्थियां पाई जाती हैं। ये सुश्रुत अनुसार कहा गया है। इसके बाद आता है स्नायु। स्नायु 900 पाई जाती हैं, जिसमें शाखागत यानी आपके हाथ और पैर में, अपर एंड लोअर लिम्स है ना, अपर लिम्स यानी आपके हाथ, दो हाथ हैं, और लोअर लिम्स यानी पैर, दो पैर हैं। तो हाथ और पैर को मिला के 600 स्नायु पाए जाते हैं। कोष्ठगत 230 स्नायु पाए जाते हैं और ग्रीवा प्रत्युर्धम, ग्रीवा से ऊपर यानी आपके शिर प्रदेश में 70 स्नायु पाए जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट्स, ये जो नंबर्स हैं, ये आपको नंबर्स याद रखने हैं। क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मान लीजिए कोष्ठ में कितनी स्नायु पाई जाती हैं, तो वहां पे आंसर होगा 230
स्नायु कोष्ठ में पाई जाती है। इस तरह से टाइप्स ऑफ स्नायु, स्नायु के प्रकार वर्णन किए गए हैं। चार प्रकार की स्नायु होती है, प्रतानवती स्नायु, वृत्त स्नायु, पृथुल स्नायु और शुशिर स्नायु। ये नाम आपको याद रखना है, चार प्रकार की जो स्नायु होती है, प्रतानवती, वृत्त, पृथुल और शुशिर। उसके बाद थोड़ा सा अस्थि का डिटेल हम लोग पढ़ लेंगे। सुश्रुत ने जो बताया है टाइप्स ऑफ अस्थि में कितने प्रकार की अस्थि होती है, एक होती है कपाल अस्थि। ठीक है, कपाल अस्थि आपके फ्लैट बोन्स होती है, जैसे कि जानू, नितंब, अंश, गंड, शंख और सिर प्रदेश में फ्लैट बोन्स पाई जाती है। हमारी जो स्कल होती है, स्कल में फ्लैट बोन्स पाई जाती है ना, तो उसको कपाल अस्थि बोलते हैं। नंबर टू है रुचक अस्थि। रुचक अस्थि आपके दांत होते हैं, तो दांतों को रुचक अस्थि बोला गया है। नंबर थ्री है तरुणास्थि। तरुणास्थि यानी जो कार्टिलेजिनियस बोन्स होती है, कार्टिलेज है ना, कार्टिलेज आपने पढ़ी होगी, तो ये तरुणास्थि होती है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, घ्राण यानी नाक में, कर्ण में, कान में, ग्रीवा में, अक्खी कोश में और कंठ नाड़ी में, तो यहाँ यहाँ कार्टिलेजेस पाई जाती है, ये तरुणास्थि होती है। देन वलय अस्थि। वलय अस्थि मतलब राउंड बोन्स है ना, राउंड बोन्स वलय अस्थि, तो ये पानी और पाद, हाथ और पैर में ये बोन्स पाई जाती है, राउंड बोन्स। उसके बाद आता है नलकास्थि। नलकास्थि यानी नली की तरह जो बोन्स होती है ना, तो बाकी जो जितनी भी अस्थियां इन सबको छोड़ के रह गई बॉडी में, लॉन्ग बोन्स हो गई, पैरों की, हाथों की लॉन्ग बोन्स है, तो ये सब नलकास्थि होती है। नलकास्थि नली की तरह होती है और इसके अंदर आपका कैविटी, हॉलो कैविटी होती है बीच में। ठीक है, तो ये सारी लॉन्ग बोन्स आपकी नलकास्थि होती है। इसके अलावा और क्या बताया गया है अस्थि के बारे में, अस्थि संधि बताई गई है। अस्थि संधि यानी जॉइंट्स। जॉइंट्स आपके कितने प्रकार के होते हैं, जॉइंट्स में आ जाता है कोर अस्थि संधि। सबसे पहले कोर अस्थि संधि कहाँ पाया जाता है, अंगुलियों के, आपके फिंगर्स की जो जॉइंट होती है, जैसे इसको हिंज जॉइंट भी बोलते हैं, हिंज जॉइंट। ठीक है, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, तो ये अंगुली, मणिबंध, गुल्फ, जानू, कुरपर, ये सब हिंज जॉइंट्स हैं। नंबर टू में आता है उल्लूखल जॉइंट। उल्लूखल जॉइंट मीन्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हम जिसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये कहाँ पाया जाता है, कक्षा, वंक्षण और दसंदांत, बॉल एंड सॉकेट, और आपका वंक्षण प्रदेश। वंक्षण प्रदेश यानी हिप जॉइंट, और कक्षा, कक्षा यानी आपका शोल्डर जॉइंट जो होता है। ठीक है, तो वहां पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। देन कम सामुद्ग। सामुद्ग जॉइंट जो होता है वो अंशपीठ, गुद और भग में पाया जाता है, सामुद्ग जॉइंट। इसके बाद आता है प्रतर जॉइंट। प्रतर जॉइंट ग्रीवा और पृष्ठवंश में पाया जाता है। तुन्न सेवनी सिरा कटी कपाल में पाया जाता है, सिर प्रदेश में। तुन्न सेवनी क्या होती है, जैसे दो बोन्स है, जब वो जॉइंट होती है तो यहाँ पे इस तरह से ये जॉइंट होती है, तो ये एक सिलाई की तरह दिखती है, तुन्न सेवनी इसको कहते हैं। तो सिरा कटी कपाल प्रदेश में ये तुन्न सेवनी जॉइंट्स पाई जाती हैं। देन वायस्तुंड जॉइंट। वायस्तुंड जॉइंट हनुसंधि, आपकी जो मैंडिबुल जॉइंट है वो वायस्तुंड जॉइंट है। इसके बाद मंडल जॉइंट आता है। मंडल जॉइंट कहाँ पाया जाता है, कंठ में, नेत्र में, फुफ्फुस नाड़ी में मंडल जॉइंट पाया जाता है। शंखावर्त। शंखावर्त जॉइंट कहाँ पाया जाता है, श्रोत्र और श्रृंगाटक में। श्रोत्र यानी कान के अंदर शंखावर्त जॉइंट पाया जाता है, इस तरह से शंख की तरह वो जॉइंट दिखता है। तो यहाँ पे आपकी जॉइंट्स की वैरायटी बताई गई, ये भी आप लोगों को याद रखना है क्या क्या वैरायटी है और ये जॉइंट्स कहाँ पाई जाती है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि उल्लूखल जॉइंट कहाँ पाया जाता है, तो उसमें चार ऑप्शन रहेंगे, अंगुली में पाया जाता है, कक्षा में पाया जाता है, ग्रीवा में पाया जाता है या सिर में पाया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, कक्षा में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। ओके, तो अस्थि हो गई, अस्थि संधि हो गई, इसके बाद आ गया स्नायु। स्नायु के कितने प्रकार बताए गए हैं, प्रतानवत स्नायु, वृत्त स्नायु, शुशिर स्नायु और पृथुल स्नायु। प्रतानवत स्नायु कहाँ पाई जाती है, सभी संधियों में पाई जाती है। वृत्त स्नायु सर्व कंडरा, सभी कंडरा में वृत्त स्नायु पाई जाती है। सुशिर स्नायु कहाँ पाई जाती है, ये एंड पोर्शंस ऑफ आमाशय एंड पक्वाशय और वस्ति, तो इन जगहों पे सुशिर स्नायु पाई जाती है। पृथुल स्नायु कहाँ पाई जाती है, पार्श्व, उरस, पृष्ठ और शिर, तो इन प्रदेशों में पृथुल स्नायु पाई जाती है। ये आपको स्नायु के प्रकार याद रखने और ये कहाँ पाई जाती है ये भी याद रखना है।
इसके बाद स्नायु के बाद आ गया पेशी, पेशी यानी मसल्स, ठीक है, पेशी हम लोग मसल्स को कहते हैं। तो मसल्स कितनी होती है, 500 मसल्स बताई गई हैं, ठीक। शाखागत पेशी, शाखा मींस अभी हमने पढ़ा था कि अपर लिम्स और लोअर लिम्स, हाथ और पैर, सिर्फ हाथ और पैर में 400 पेशियां बताई गई हैं। कोष्ठगत पेशी कितनी बताई गई है, 66। ग्रीवा प्रत्युर्धगत पेशी बताई गई है 34, ठीक है। तो ये नंबर आपको याद रखना है, क्वेश्चन आएगा कि कोष्ठ में कितनी पेशियां होती हैं, तो आपको लिखना है 66 उसका राइट आंसर है। शाखागत कितनी पेशियां होती हैं, तो 400 उसका राइट आंसर है। ओके, तो सारी नंबरिंग हमने पढ़ ली, सारी नंबरिंग हमने याद कर ली, है ना। इसके बाद आइए देखते हैं श्रोतस, श्रोतस वर्णन किए गए थे। तो श्रोतस और श्रोतस के मूल कहाँ कहाँ होते हैं, और इनके विद्ध होने पर यानी अगर इन श्रोतस पे चोट लग गई तो किस तरह के लक्षण आएंगे, ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आता है प्राणवह श्रोतस, ठीक है, प्राणवह श्रोतस यानी आपका मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसको प्राणवह श्रोतस बोलते हैं। इसका मूल है हृदय और रसवाही धमनियां। इसमें अगर विद्ध हो जाए, अगर चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, क्रोशन, विनमन, मोहन, भ्रमण और वेपन। ये आपको टर्म्स याद रखने पड़ेंगे क्या क्या इसके विद्ध लक्षण है। आप लोग योगवाही श्रोतस और उसके मूल पहले याद कर लीजिए, फिर इसके विद्ध लक्षण बाद में याद करिएगा। सेकेंड जो स्रोत है वो है अन्नवह श्रोतस। हम लोग खाना खाते हैं, वो एक पाइपलाइन में जाता है ना, तो वो जो हमारी GIT होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो होती है नॉर्मली, उसी को अन्नवह श्रोतस कहा जाता है। इसका जो मूल है कहाँ है, आमाशय और अन्नवाहिनी धमनियां। और इसमें अगर इंजरी हो जाए, विद्ध हो जाए, तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, आधमान, मरण, शूल, अन्नद्वेश, छर्दी, पिपासा और अंधत्वम। तो ये सारे सिम्टम्स बताए गए हैं अन्नवह श्रोतस विद्ध के, है ना, इंजरी के। इसके बाद जो थर्ड श्रोतस है वो है हमारा उदक वह श्रोतस। उदक वह श्रोतस यानी जो फ्लूइड हमारे बॉडी में होती है वो किस चैनल में रन करती है, ठीक है। तो ये उदक वह श्रोतस है, इसका मूल है तालु और क्लोम, और इसमें अगर विद्ध हो जाए, चोट लग जाए, तो पिपासा, मरण, श्यावास्यता, सद्यो मरणम, तुरंत ही इंसान की मौत हो सकती है, ठीक। और उसके बाद आता है रसवह श्रोतस। रसवह श्रोतस नॉर्मली हम लोग लिम्फ चैनल्स बोल सकते हैं, लिम्फेटिक चैनल्स। तो इसका जो मूल है वो है हृदय और रसवाही धमनियां। और अगर इसमें चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो शोष इन एडिशन टू प्राणवह श्रोतस विद्ध लक्षणम। प्राणवह श्रोतस के जो विद्ध लक्षण बताए गए हैं उसके साथ शोष उत्पन्न हो सकता है, यानी जो पेशेंट की बॉडी है वो सूख जाएगी, उसका सारा जो फ्लूइड है, जो लिम्फ है, वो नष्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट श्रोतस है आपका रक्तवह श्रोतस। रक्तवह श्रोतस का मूल बताया गया है यकृत एंड प्लीहा और रक्तवाही धमनियां। अगर इसमें चोट लग जाए तो श्यावंगता, ज्वर, दाह, पांडु, श्रोणितातिगमन और रक्त नेत्रता। श्रोणितातिगमन मतलब बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो सकता है, ब्लड निकल सकता है बाहर। अगर रक्तवह श्रोतस, जो हमारे ब्लड चैनल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उसको हम रक्तवह श्रोतस बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है मांसवह श्रोतस, यानी जो मांस मसल्स होती हैं उसकी जो श्रोतस है हमारी बॉडी में, उसको मांसवह श्रोतस बोला जाता है। इसका मूल क्या है, स्नायु, त्वक और रक्त वह धमनियां इसकी मूल है। और इसमें अगर चोट लग जाए तो श्वेथु हो सकता है, दुर्मांस हो सकता है, मांस सही से नहीं बनेगा, मांस धातु हमारा, शोष उत्पन्न हो सकता है, शिरा ग्रंथि हो सकती है और मरण भी हो सकता है। देन जो नंबर 7 श्रोतस है वो है मेदो वह श्रोतस। मेदो वह श्रोतस का मूल है कटी और वृक। मूल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम वाइज, मूल आते हैं किसी भी श्रोतस का, मूल वो पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन में। तो कटी और वृक इसका मेदोवह श्रोतस का मूल है। और इसके विद्ध लक्षण में क्या क्या आ जाएगा, स्वेदागमन, बहुत ज्यादा पसीना निकलेगा, स्निग्धांगता, तालु शोष, स्थूल और शोफ हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, पिपासा हो सकती है, बहुत ज्यादा प्यास भी लग सकती है, ठीक है। तो ये मेदोवह श्रोतस के विद्ध लक्षण है। इसके बाद आता है नंबर 8 मूत्रवह श्रोतस। मूत्रवह श्रोतस यूरिनरी सिस्टम जो हमारा होता है
किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये पूरा यूरिनरी सिस्टम होता है ना। तो इसके जो मूल है वो है वस्ती और मेड्र, और अगर इसमें विद्ध हो जाए तो क्या हो सकता है, आनद्धावशिष्ट मूत्र निरोध स्तब्ध मेढ्रता। तो ये टर्म्स आपको याद रखने हैं, मूत्र निरोध किसका विद्ध लक्षण है पूछेंगे, तो मूत्र व श्रोतस का विद्ध लक्षण है ना। नेक्स्ट जो श्रोतस नंबर 9 श्रोतस आता है वो है पुरुष व श्रोतस। पुरुष यानी स्टूल, जो स्टूल फॉर्मेशन होता है वो जिस श्रोतस में ट्रेवल करता है उसको पुरुष व श्रोतस बोलते हैं। इसका मूल क्या है, पक्वाशय और गुद, और इसके विद्ध लक्षण है आनाह, दुर्गंधता और ग्रथितांत्रता। तो ग्रथितांत्रता क्या होती है, जैसे आंत्र में इंटेस्टाइन में एक जगह पे इंटेस्टाइन इंटरलॉक हो जाए या वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न हो जाए, ठीक है। तो ये विद्ध होने से ऐसे लक्षण आ सकते हैं। जो हमारा 10th श्रोतस है वो है शुक्र वह श्रोतस, और शुक्र वह श्रोतस का मूल है स्तन और वृषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है, स्तन और वृषण शुक्र वह श्रोतस के मूल है, और इसके विद्ध होने पर क्या क्या हो सकता है, क्लिबता, क्लिबता यानी इनफर्टिलिटी आ सकती है, स्टेराइल हो सकता है आदमी, है ना, और चिरात प्रशेक और रक्त शुक्रता। तो ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट जो श्रोत बताया गया है वो है आर्तव वह श्रोतस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल ब्लड आता है ना, आर्तव वह श्रोतस, और ये जो होता है इसके मूल क्या क्या होते हैं, गर्भाशय, आर्तव वाहिनी, धमनिया, गर्भाशय और आर्तव वाहिनी धमनिया। और इसमें अगर विद्ध हो जाए, इंजरी हो जाए तो क्या हो सकता है, वंध्यत्वम हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, बच्चा कभी नहीं होगा, है ना, मैथुन, असहिष्णुता और आर्तव नाश। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इसका फीमेल का बंद हो सकता है। तो आप लोगों को ये सिम्टम्स याद रखने हैं और इसके मूल भी याद रखने हैं। और क्या बताया गया है श्रोतस के बारे में, श्रोतस के सिनोनिम्स बताए गए हैं, सिरा, धमनी, रसवाहिनी, नाड़ी, पंथ, मार्ग, शरीर छिद्राणी, समवृष्टांश, वृत्तानी, स्थान, आशय और निकेत, ये श्रोतस के सिनोनिम्स बताए गए हैं। उसके बाद देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ त्वक एज पर चरक। अभी हमने सुश्रुत का पढ़ा था त्वक, है ना, और चरक ने क्या बोला त्वक के बारे में, उन्होंने 6 लेयर्स बताई हैं, 6 लेयर्स बताई हैं उन्होंने। सब पहली जो लेयर है वो है उदक धरा, सेकेंड लेयर है अश्रिक धरा, थर्ड लेयर है सिद्म किला संभव अधिष्ठान, यानी वो अधिष्ठान जहाँ पे सिद्म और किलास रोग उत्पन्न होते हैं। नंबर फोर्थ जो लेयर है वो है दद्रु कुष्ठ संभव अधिष्ठान। नंबर फिफ्थ जो लेयर है वो है त्वलाजी विद्रधि संभव अधिष्ठान, और नंबर सिक्स जो लेयर है वो है छिन्नायाम तम्यत्य उदयवच तमह प्रविष्टाति अरुणसी जायन्ते दुश्चिकित्साया कृष्ण रक्त स्थूला मूलज इन पर्व। तो ये सारे रोग जो हैं इसके अकॉर्डिंगली ये डिवीजन किया गया है, कौन से लेयर में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो उसके हिसाब से चरक ने 6 लेयर बताई है। उसके बाद क्या आता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि षडंग शरीर बताया गया है ना, तो 2 बाहु यानी 2 हाथ हो गए, 2 सक्तिनी 2 पैर हो गए, शिरोग्रीवम 1 हो गया, और अंतराधि यानी आपकी जो मिड बॉडी है ना, ये मिड बॉडी जो है ये एक पार्ट है, 2 हो गए पैर, 2 हो गए हाथ और 1 हो गया सिर, तो टोटल हो गए 6 बॉडी पार्ट्स। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ अस्थि चरक द्वारा बताई गई है 360, है ना, सुश्रुत ने 300 बताई थी सुश्रुत ने, और चरक ने बताई यहाँ पे 360। तो दोनों डिफरेंसेस, दोनों ही नंबर आपको याद करने हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि सुश्रुत द्वारा कितनी अस्थियां बताई गई हैं इन टोटल, तो आप लिखोगे 300 अस्थियां। अगर पूछ रहे हैं कि चरक द्वारा कितनी अस्थियां बताई गई हैं, तो आप लोग लिखोगे 360, 360 यानी 360 अस्थियां बताई गई हैं, है ना। इसमें दंत 32 बताए हैं, दंत मूल 32 बताए हैं, नख 20 बताए हैं, पाद पानी अंगुल अस्थि हाथ और पैरों के अंगुल अस्थि बताए हैं 60, 60, पाद पानी सकल अस्थि बताई गई है 40, पानी पाद सकल अधिष्ठानी 4 बताई गई है, पार्श्व उर अस्थि 2 बताई गई है, गुल्फ 4, मणिबंध 2, अरतनी अस्थि 4, जंघा 4, जानू 2, जानू कपालिका 2, उरु नलक 2, बाहु नलक 2, अंश 2, अंश फलक 2, अक्षकास्थि 2, जत्रु 2, तालवास्थि 2, श्रोणी फलक 2,
भगास्थि एक, पृष्ठगत अस्थि बैक, बैक में जो बोन्स है उसमें 40 बताए गए हैं 40, ग्रीवा अस्थि 15 बताए गए हैं, उरु अस्थि 14 बताए गए हैं और पार्श्व अस्थि 2 बताए गए हैं। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ अस्थि है और इसका डिवीजन है 360 होती है टोटल, ये आप लोगों को याद करना है। क्वेश्चन ऐसे आएगा भगास्थि कितनी होती है, तो उसका आंसर है एक होती है। अंश अस्थि कितनी होती है, उसका आंसर है 2 होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको नंबर्स इसके याद रखने हैं। इसके अलावा 360 अस्थियां में ये सारी अस्थियां भी इंक्लूडेड हैं, जिसमें पार्श्वकास्थि 24 बताई गई है, स्थालकास्थि 24 बताई गई है, स्थाल कर्बुदायिनी 24 बताई गई है, हनु अस्थि 1 बताई गई है, हनुमूल बंध अस्थि 2 बताई गई है, नासिका गंडकूट ललाटास्थि 1 बताई गई है, शंख अस्थि 2 बताई गई है और शिर के कपालास्थि 4 बताए गए हैं। तो ये टोटल मिला के होता है 360। तो ये सारी अस्थियां आपको नंबर वाइज याद करनी है और टोटल नंबर ऑफ अस्थि 360 होता है, चरक अनुसार भी ये याद रखना है। इसके बाद आता है दशविध प्राणायतन, जो कि रचना शरीर में वर्णन किया है। दशविध प्राणायतन यानी प्राण का आयतन, प्राण कहाँ कहाँ बसता है, तो 10 स्थान बताए गए हैं प्राण के, मूर्धा हृदय कंठ नाभि गुद वस्ति ओज शुक्र शोणित और मांस। तो ये 10 प्राणायतन आपको याद रखते हैं, आप रखने हैं। क्वेश्चन आता है कि कितने प्राणायतन वर्णन किए गए हैं, तो उसका आंसर है 10 प्राणायतन वर्णन किए गए हैं। और उसमें फिर क्वेश्चन आएगा कि प्राणायतन में कौन से ऑर्गन, कुछ 4-5 ऑर्गन के नाम दिए होंगे, तो उनमें से देखना है कि ये जो 10 यहाँ पे डिस्क्राइब है इनमें से जो ऑप्शन में हो वो सही आंसर होगा, है ना। तो ये 10 प्राणायतन आपको याद रखना है। देन पंचदश कोष्ठांग बताए गए हैं। कोष्ठांग क्या होते हैं, कोष्ठ क्या होता है, सबसे पहले कोष्ठ एक हॉलो स्पेस होता है। तो हमारी बॉडी में काफी सारे हॉलो स्पेसेस हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्गन्स मौजूद हैं। जैसे ये ब्रेन हमारी क्रैनियल कैविटी में मौजूद है, तो ये क्रैनियल कैविटी एक कोष्ठ है। इसके बाद चेस्ट रीजन में कोष्ठ है ना, चेस्ट रीजन में लंग्स और हार्ट ये सब मौजूद है। एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में भी बहुत सारे ऑर्गन्स मौजूद हैं, आपका स्टोमक है, लीवर है, स्प्लीन है, पैंक्रियास है, गॉल ब्लैडर है, इंटेस्टाइन है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा पेल्विक कैविटी है ना, पेल्विक कैविटी में भी आपके बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, यूट्रस है, ओवरी है और सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्लैडर है। तो ये सारे कोष्ठ होते हैं, खाली जगहें जो होती हैं जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो ये कोष्ठ के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं उनको कोष्ठांग कहा जाता है। जो ऑर्गन्स आपके कोष्ठ के अंदर रहते हैं, ये कैविटीज के अंदर रहते हैं, उनको कोष्ठांग कहा जाता है। तो ये हो गए 15 कोष्ठांग बताए गए हैं। ठीक है, क्या क्या है वो, नाभि हृदय प्लोम यकृत प्लीहा वृक्क वस्ति पुरुषधरा आमाशय पक्वाशय उत्तरगुदम अधरगुदम क्षुद्रांतरम स्थूलांतरम और वप्पा वहनम। तो ये 15 कोष्ठांग बताए गए हैं। इसके नंबर भी आपको याद रखने हैं कि कितने कोष्ठांग बताए गए हैं, तो बोलेंगे 15 बताए गए हैं। और कोष्ठांग में ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, हृदय कोष्ठांग है कि नहीं, तो इसका आंसर होगा हाँ हृदय कोष्ठांग है। ठीक है, या कोष्ठांग में ऑप्शंस में आपके ऑर्गन्स दिए होंगे, उनमें से आपको चूज करना है कि कौन कौन सा कोष्ठांग होता है। उसके बाद महति छिद्राणी, जो हमने पढ़ा था कि 9 बताए गए हैं ओपनिंग्स, सप्त सिरसी सिर में ही 7 ओपनिंग्स हैं, है ना। सिर में 7 कौन कौन से हैं, एक हो गया आपका ईयर, 2 ईयर हो गए, एक नहीं तो 2 ईयर, 2 आंखें हो गई 4, नाक इसमें भी 2 ओपनिंग्स हैं, है ना। तो यहाँ हो गई कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद आपका मुंह एक ही ओपनिंग है, तो ये हो गई 7। तो टोटल सिर में 7 ओपनिंग्स होती हैं। द्वे अध में कौन कौन सा आता है, एक होता है एनस और दूसरा होता है यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, तो एनस और यूरेथ्रल ओपनिंग मिला के टोटल 9 ओपनिंग्स बताई गई हैं महंती छिद्राणी। ठीक, तो सारे संख्या हम लोगों ने पढ़ लिए है ना, स्नायु 900, सीरा 700, धमनी 200, पेशी 400, मर्म रह गया है, मर्म भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, मर्म मैं आपको बता दूंगी इसका डिवीजन क्या है, पर टोटल नंबर अभी आप याद कर लीजिए,
ये मर्म 107 होती है 107 और संधियां होती हैं 200। ठीक, तो ये सारे नंबर्स आपको याद रखने हैं। इनके अलावा और क्या बताया गया है, हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, कुछ फ्लूइड कुछ सेमी फ्लूइड सब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, है ना, तो उनके अंजलि प्रमाण बताए गए हैं। उनको आप ऐसे नंबर में कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, कितनी लंबाई है कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लिक्विड है ना, तो इनको ऐसे अंजलि प्रमाण, पहले के जमाने में अंजलि प्रमाण किया जाता था, तो कितनी अंजलि ये लिक्विड हमारी बॉडी में पाया जाता है। तो सबसे पहले आता है उदक, उदक पाया जाता है 10 अंजलि। रस, रस धातु जो होता है वो 9 अंजलि पाया जाता है। रक्त 8 अंजलि, पुरुष 7 अंजलि, कफ 6 अंजलि, पित्त 5 अंजलि, मूत्र 4 अंजलि, वसा 3 अंजलि, मेद 2 अंजलि, मज्जा 1 अंजलि, मस्तिष्क 0.5 अंजलि, शुक्र भी 0.5 अंजलि, श्लेष्मिक ओज भी 0.5 अंजलि, और जो आर्तव होता है वो होता है 4 अंजलि। तो ये सारे अंजलि प्रमाण आपको याद रखना है। क्वेश्चन आएगा जैसे रक्त कितने अंजलि में पाया जाता है, रक्त का प्रमाण क्या है हमारी बॉडी में, तो आंसर होगा 8 अंजलि। शुक्र का प्रमाण क्या है हमारी बॉडी में, तो होगा आंसर क्या, 0.5 अंजलि, 1/2 अंजलि, है ना। वसा का प्रमाण कितना है, 3 अंजलि। तो इस तरह से आपको ये अंजलि प्रमाण भी याद रखना है। उसके बाद बहुत सारे श्रोतस बताए गए थे, है ना, तो ये जो श्रोतस है उसके मूल एज पर चरक, हम लोगों ने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले एज पर सुश्रुत उसके मूल और विध लक्षण क्या क्या होते हैं। अभी चरक ने भी बताया है, चरक ने क्या क्या बताया है, चरक ने बताया है सबसे पहले प्राणवह श्रोतस, प्राणवह श्रोतस का मूल है हृदय और महाश्रोतस। ठीक, इसके प्रदुष्ट लक्षण, अगर ये श्रोतस दुष्ट हो जाए या दूषित हो जाए किसी कारण से, तो क्या क्या इसके लक्षण आ सकते हैं, अतिश्रिष्ट अतिबद्ध कुपितम अल्पा अलम अभिक्षणम ससाद शूलम ड्यूरिंग उच्छ्वास, रेस्पिरेशन के टाइम पे उसको पेन होगा। देन नंबर 2 कम्स उदक वह श्रोतस, जिसके मूल हैं तालु और प्लोम, उन्होंने भी यही बताया है तालु और प्लोम, और प्रदुष्ट लक्षण क्या क्या है, जीवा तालु ओष्ठ कंठ प्लोम शोष अति प्रवृद्ध पिपासा, तो बहुत ज्यादा इसमें प्यास लगेगी और सब कुछ सूख जाएगा, मुंह तालु सब सूख जाएगा। ठीक है, देन नंबर 3 में आता है अन्न वह श्रोतस, अन्न वह श्रोतस का मूल इन्होंने बताया है आमाशय और वाम पार्श्व, ठीक है, लेफ्ट साइड वाम पार्श्व, तो इसके जो प्रदुष्ट लक्षण है वो क्या है, अन्न अभिलाष यानी अन्न का अभिलाषा नहीं रहेगा, अरोचक अविपाक और छर्दी, छर्दी यानी वॉमिटिंग होगी और खाने पीने की इच्छा नहीं रहेगी। तो ठीक है, तो ये अन्न वह श्रोतस है आमाशय और वाम पार्श्व। इसके बाद आता है रस वह श्रोतस, रस वह श्रोतस के मूल क्या क्या बताए इन्होंने, हृदयम और 10 धमनियां, 10 धमनियां हमारे हार्ट से निकलती है, 10 धमनियां वर्णन किए गए हैं, तो ये हृदय और 10 धमनियां बताई गई हैं रस वह श्रोतस की। और जब इसमें दुष्टि हो जाती है या दूषित हो जाता है तो इसके क्या क्या लक्षण आते हैं, अश्रद्धा अरुचि आस्य वैरस्यम अरसंज्ञता हृल्लास गौरव तंद्रा अंगमर्द ज्वर स्थम पांडुत्व श्रोतसोरोधम कृष्णांगता क्लैव्यम और अकाल वली पलितम। तो ये रस वह श्रोतस के दूषित होने के कारण उत्पन्न होने वाले रोग है। इसके बाद नंबर 5 में आता है शोणित वह श्रोतस, शोणित वह श्रोतस ब्लड, ब्लड का जो स्रोत है उसका मूल क्या बताया गया है, यकृत और प्लीहा, लीवर और स्प्लीन इसका मूल बताया गया, और इसमें बहुत सारी बीमारियां आप लोग देख सकते हैं, अगर ये दूषित हो जाए रक्त वह श्रोतस या शोणित वह श्रोतस, तो इसमें बहुत सारी बीमारियां होती है जैसे कुष्ठ विसर्ग पीड़का रक्तपित्त अश्रिग्धर गुदपाक मेढ्रपाक आस्यपाक गुल्म प्लीहारोग विद्रधि नीलिका कामला व्यंगम विप्लव तिलकालक दद्रु चर्मदल स्वित्रम पामा कोट और अस्रमंडलम। ठीक है, तो ये रक्त वह श्रोतस दूषित होने के डिजीजेस हैं। ये डिजीजेस भी आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि डिजीज आएगा जैसे कि मान लीजिए प्लीहारोग विद्रधि कौन से श्रोतस दूषित होने के कारण होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा शोणित वह श्रोतस या रक्त वह श्रोतस। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर 6 में मांस वह श्रोतस, मांस वह श्रोतस के मूल बताए गए हैं स्नायु और त्वक, स्नायु और त्वचा को इसका मूल बताया गया है, और इसमें जो बीमारियां होती है अधिमांस अर्बुद अर्श
गलशालुक, गलशुंडिका, पुतीमांस, गलगंड, गंडमाला और उपजीविका। तो ये सारे रोग हैं जो कि मांस वह श्रोतस दूषित होने के कारण होते हैं। नेक्स्ट जो श्रोतस है वो है मेद वह श्रोतस। इसका मूल है वृक्क और वप्पा वहनम और निंदित प्रमेह पूर्वरूप। प्रमेह के पूर्व रूप जो होते हैं या प्रमेह भी मेदोवह श्रोतस दूषित होने के कारण होता है। प्रमेह यानी डायबिटीज को कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है अस्थिवह श्रोतस। अस्थिवह श्रोतस के जो मूल है वो है मेदस और जघन। और अस्थिवह श्रोतस अगर दूषित हो जाए तो क्या क्या बीमारियां होंगी? अध्यस्थि, अधिदंत, अस्थि भेद, अस्थिशूल, विवर्णता, केश, रोम, नख और स्मश्रु के दोष। हमें पता है केश, रोम, नख ये हमारे अस्थि के ही उपधातु बताए गए हैं, ना? अस्थि के मल और अस्थि के उपधातु बताए गए हैं। तो ये सब इनमें बाल खराब हो जाएंगे, नाखून खराब हो जाएंगे, हमारी जो लोम है वो खराब हो जाएंगी अगर अस्थि वह श्रोतस दूषित हो गया। इसके बाद जो श्रोतस आता है वो होता है मज्जा वह श्रोतस। और इसके मूल है अस्थि संधि। इसमें प्रदुष्टि हो जाए, दूषित हो जाए तो रुक पर्वम, भ्रम, मूर्छा, तमसो दर्शन, अरुषम, स्थूल मूलमम दर्शनम। तो ये सारे लक्षण आ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है भ्रम और मूर्छा, तमसो दर्शन, ये एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। मूर्छा, भ्रम कौन से श्रोत के दूषित होने के कारण आता है? तो आंसर होगा यहाँ पे मज्जावह श्रोतस। इसके बाद नेक्स्ट जो श्रोतस है वो है शुक्रवह श्रोतस। इसका मूल है वृषण और सेफ। उसके बाद इसके जो प्रदुष्टि लक्षण बताए गए हैं, प्रदुष्टि लक्षण क्या क्या है? क्लेब्यम, आहर्षणम, क्लिवता, आलाप जननम, गर्भपात और गर्भश्राप। इसके बाद नंबर 11 में जो श्रोत आता है वो है पुरुष वह श्रोतस। और इसके मूल क्या क्या है? पक्वाशय और स्थूल गुदम। और इसमें अगर दुष्टि हो जाए, दूषित हो जाए तो क्या आएगा? कृच्छ्रेण, अल्पाल्प, सशूल, अतिद्रव, कुठितम, अतिग्रंथितम, अति बाहु को विशांत पुरुष, ठीक है। तो पुरुष जो है स्टूल का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा, पेनफुल स्टूल आ सकता है, या फिर बहुत ही टाइट, बहुत ही कॉन्स्टिपेटिव स्टूल आ सकता है, बहुत ही लिक्विड द्रव स्टूल आ सकता है, ठीक। पुरुष व श्रोतस दृष्टि से ऐसे सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो श्रोत है वो है मूत्रवह श्रोतस। मूत्रवह श्रोतस का मूल क्या है? वस्ती और वक्षण। अगर इसमें दूषित हो जाए मूत्रवह श्रोतस तो क्या क्या लक्षण आएंगे? अतिश्रित और अतिबद्ध, कुपितम और अल्पाल्पम, अभिक्षणम और बहुलम, सशूलम मूत्रम, ठीक है। तो यूरिनेशन का जो प्रोसीजर है वो सही से आपका नहीं होगा, पेनफुल हो सकता है, बहुत ज्यादा मूत्र आ सकता है, बहुत कम मूत्र आ सकता है, रुक रुक के मूत्र आ सकता है, या बहुत स्पीड से मूत्र आ सकता है। तो कुछ भी इसमें आपकी यूरिनेशन के प्रोसीजर में गड़बड़ हो जाएगी। देन नेक्स्ट है स्वेदवह श्रोतस। स्वेदवह श्रोतस का मूल क्या है? मेदस और रूमकूप। इसमें जो दूषित लक्षण बताए गए हैं वो क्या बताए गए हैं? अस्वेदनम, अतिस्वेदनम, पारुष्य, अतिश्लक्षण मार्गस्य प्रतिधानम और लोमहर्षणम। लोमहर्षणम यानी हॉरिपिलेशन, आपके लोम खड़े हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा पसीना आ सकता है, बिल्कुल पसीना नहीं आएगा, अस्वेदन, अतिस्वेदन। तो इस तरह के लक्षण आपको स्वेदवह श्रोतस में अगर किसी कारण से दोष कुपित हो जाए तो ये सारे लक्षण आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये श्रोतस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में भी बहुत इससे क्वेश्चंस आते हैं। सुश्रुत के अनुसार, चरक के अनुसार दोनों ही आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग मर्म विज्ञान के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि रचना शरीर में मर्म विज्ञान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मर्म विज्ञान के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है, हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। टॉप उसके टोटल जो मर्म की संख्या 107 बताई गई है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। आज हमने जितना पढ़ा उसके आप नोट्स बना लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए, पॉइंट वाइज जितना भी हमने आज बताया। और बाकी आप लोग थोड़ा सा बुक भी रेफर करिए, बुक में थोड़ा सा पढ़िए, रचना शरीर की बुक लेके उसमें क्या क्या सब दिया है उसमें आपको ये सारी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी। हम लोग यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ा सकते हैं ना, टाइम कम है ना, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। बाकी आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप रचना शरीर की बुक रेफर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, ये रचना शरीर का अभी कंटिन्यू रहेगा, मर्म विज्ञान पढ़ेंगे। मर्म विज्ञान पढ़ने के बाद हम लोग एमसीक्यूज
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर सारे डिस्कस करेंगे इसके इम्पोर्टेंट वाले, ठीक है? तो बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक आप लोग हमारा चैनल जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी एग्जाम देने वाले हैं, जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, सबको आप लोग शेयर करिए। ये चैनल में आपको काफी हेल्प मिलेगी एग्जाम के लिए, तो आप लोग शेयर करिए, बिल्कुल सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर दबाइएगा, ताकि कोई भी नई वीडियो आए, नई क्लास आए, तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म होती है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई करके, थोड़ा सा प्रिपेयर होके आइए, ताकि आप लोगों को भी मजा आए ये क्वेश्चंस डिस्कस करने में, पॉइंट्स डिस्कस करने में। आप लोगों को एकदम नया नहीं लगेगा, थोड़ा सा पढ़ के आइए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, आप लोगों को मेरा नमस्कार, थैंक यू सो मच, बाय।